हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट के अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन करने वाले हैं और दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वैसे तो काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। तो इन सभी के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से जैसे मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इनमें से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण होता क्या है। देखिए प्रदूषण आम भाषा में अगर हम समझें तो मानव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है, चाहे वो भवन निर्माण कर रहा हो या गाड़ी वगैरह चला रहा हो या कोई भी काम कर रहा हो, कूड़ा करकट फेंक रहा हो, हर तरह से उसका कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। वो हो सकता है वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या फिर समुद्री प्रदूषण हो, कहीं भी किसी भी तरह से हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि दोस्तों अगर हम प्रदूषण की डेफिनेशन की बात करें तो मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना, यानी कि मानव की ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे पर्यावरण के अंदर अवांछित यानी कि जो जरूरी नहीं है वो पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर हमें हानि पहुँचाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रदूषण कहेंगे। और दोस्तों इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं हम वायु प्रदूषण की। अब देखिए वायु प्रदूषण हम सभी को पता है कि वायु प्रदूषण ज़्यादातर जो हमारी चिमनी है और जो उद्योग कारखाने हैं उनसे होता है, प्लस में जो हमारा भवन निर्माण है या फिर यातायात है उनसे होता है। और देखिए दोस्तों जो हमारा वायु प्रदूषण है वो मुख्य रूप से दो तरह का हो सकता है। एक तो होता कणीय, यानी कि हवा के अंदर कण इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, और हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो उस तरह का होता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा गैसीय प्रदूषण होता है, यानी कि हमारी हवा के अंदर जहरीली गैस भर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैसीय प्रदूषण कहते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कणीय प्रदूषण क्या होते हैं। और इससे दोस्तों जैसे हम कणीय प्रदूषण की बात करें तो जैसे कि औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं, घरेलू धुआं है, उनसे काफ़ी कणीय प्रदूषण होता है। और इससे दोस्तों जैसे कि हमारे फेफड़ों के काफ़ी रोग होते हैं, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया और भी काफ़ी तरह के रोग इनसे हो सकते हैं। और इससे एक और चीज़ क्या होती है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, दृश्यता में कमी आ जाती है, यानी कि हमें दिखाई देना बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है और इसके बाद में और भी आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हमने इसमें दिया हुआ है। और आगे हम बात करें दोस्तों कण रूपी प्रदूषक के बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वो हम पढ़ लेते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होते हैं, उनकी क्या खास बात है वो हम पढ़ लेते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एक बार इसमें से क्वेश्चन आया था दोस्तों, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, साइज़ के बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो इनका जो आकार होता है दोस्तों वो क्या था, 0.001 से 500 UM तक होता है इनका साइज़। तो ये साइज़ हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले एक क्वेश्चन आया है। 10 UM से कम आकार के कण हवा की तरंगों के साथ बहते रहते हैं, जो कण 10 UM से बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ये हमारे कथन अभिकथन में आ सकती है ये चीज़ें। और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों जो 0.02 UM से छोटे होते हैं उनसे वायुविलय अपना अस्तित्व बनाए रखती है, यानी कि वो वायु के अंदर घुले मिले रहते हैं। और हवा में तैरने वाले कणों को क्या कहते हैं दोस्तों, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, कई बार SPM की फुल फॉर्म भी वो पूछ सकते हैं। और ये जो है दोस्तों इनका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, गाड़ी है, पावर प्लांट है
और निर्माण गतिविधियां है, तेल रिफाइनरी है, तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास हवा में तैरती हुई राख यानी कि फ्लाई एस, फ्लाई एस से भी एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो चिमनियों से जो राख निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लाई एस कहते हैं। तो ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों हमारे पास सीसा या लेड, अन्य धातुओं के कण, उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सीसा और जो लेड है वो ज़्यादातर गाड़ियों के तेल के अंदर यूज होता है, और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारी गाड़ी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल सके। और अब देखिए उससे क्या प्रभाव पड़ता है, जब वो सीसा गाड़ियों की निकास नलियों से निकलकर हवा में मिल जाता है, तो वो हमारे श्वास के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, यानी कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और उससे हमारे गुर्दे और जिगर फेल होने की काफ़ी संभावना बनती है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि तेल के अंदर सीसा बहुत मात्रा में पाया जाता है, और इससे बहुत प्रदूषण होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। और जो इसके अंदर एक और जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेटा इथाइल लेड, TEL कहते हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इससे और क्या चीज़ें होती है, जैसे कि लाल रक्त कणों के बनने में बाधा पहुंचती है, यदि सीसा पानी और भोजन के साथ मिल जाता है तो यह एक तरह से विष बन जाता है, यह बच्चों पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है, जैसे बुद्धि को कमज़ोर करता है, तो ये इसके कुछ इफेक्ट पड़ते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों गैसीय प्रदूषक यानी कि गैसीय पॉल्यूटेंट, अब इससे क्या होता है ये भी हम देखते हैं। पावर प्लांटों, उद्योगों, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों, निजी और व्यावसायिक दोनों ही ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और इनसे क्या है दोस्तों, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कण भारी मात्रा में निकलते हैं, जो प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है। और एक चीज़ और मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हम केवल और केवल बेसिक वीडियो कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमें पता चल जाए कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, और आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि CFC है उसे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, CFC कहाँ कहाँ से निकलती है, NO2 है उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से वीडियो करेंगे, क्योंकि उनमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल हमारी बेसिक जानकारी के लिए है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने तो वो टॉपिक करवाए नहीं या फिर वो। अब बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत में छेद, समताप मंडल में एक ओजोन परत होती है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहीं पे बन रहा है दोस्तों कि जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पे होती है, समताप मंडल में होती है। जो सूर्य से निकलने वाली तिरु पैराबैंगनिक किरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है, रेडिएशन जो होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। और इसका जो मुद्दा है दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसका जो छेद है दोस्तों वो बहुत बड़ा होता हुआ जा रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग हम फ्रीज, एयर कंडीशन, अग्निशमन यंत्रों के अंदर किया जाता है। और इसके बारे में दोस्तों और भी काफ़ी तरह की बातें हैं ओजोन परत के बारे में, कि ओजोन परत वो है क्यों बढ़ती है, और ओजोन परत के छिद्र को रोकने के लिए क्या क्या, ओजोन परत के छिद्र को बड़ा होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उन सभी के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। और इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि CFC ओजोन परत में फैले ओजोन कणों को ऑक्सीजन O2 में बदल देता है। और दोस्तों ओजोन परत का जो छिद्र है वो बड़ा होने से क्या होता है, आँखों में मोतियाबिंद हो सकता है, अंधापन हो सकता है, और जंगलों में कम उत्पादन हो सकता है। और दोस्तों ओजोन परत के छिद्र को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई थी 1990 के अंदर, और इसके अंदर दोस्तों ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले CFC को पूर्ण रूप से हटाने का निश्चय किया गया था। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब की गई थी, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, और उसके बाद क्या हुआ, और किस किस पे नियंत्रण रखने की कोशिश की गई थी, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास भूमंडलीय उष्मन यानी कि हरित ग्रह प्रभाव, अब देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए जो हमारी किरणें सूर्य से आती है,
ठीक है, सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी से जब यही किरणें वापस दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर जाती है तो ऊपर क्या आती है कि एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर क्या करती है कि इन जो वापस किरणों को नहीं जाने देती, जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका जो एक मुख्य कारण है दोस्तों, वो है ग्रीन हाउस। जैसे हमने देखा होंगे कि खेतों के अंदर एक तंबू सा लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक पन्नी ढक दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो वाष्प बनती है, तो ये वाष्प ऊपर नहीं जाने देती। इससे क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसमें काफ़ी तरह की चीज़ें दी हुई है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद में जैसे हम एक बात करें दोस्तों, यदि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को नहीं रोका गया तो दोस्तों 5% तक तापमान बढ़ने की आशंका लगाई जा रही है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघलने शुरू हो जाते, जिससे हमारे समुद्र का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, और तूफान वगैरह आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अब उसके बाद दोस्तों, जैसे हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है कि जो भी शोर हो रहा है हमारा, चाहे वो पत्थर के काटने से हो रहा हो या फिर लाउड स्पीकर से हो रहा हो, यानी कि इस तरह का शोर जो हमें अच्छा ना लगे, जो हमारे कानों को, हमारे स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, वो ये है दोस्तों, ध्वनि की उच्चता का स्तर डेसीबल में नापा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट एक बार पूछा हुआ था दोस्तों कि जो ध्वनि की उच्चता का स्तर है वो किस में मापा जाता है, तो वो किस में मापा जाता है, डेसिबल के अंदर मापा जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि का स्तर कितना निर्धारित किया, दिन के अंदर 45 डेसिबल निर्धारित किया और रात्रि के समय में 35 डेसिबल निश्चित किया हुआ है। और 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाली ध्वनि हानिकारक होती है। ये तीन चीज़ें हमें पता होना जरूरी है दोस्तों, और एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस में मापा जाता है, डेसिबल के अंदर मापा जाता है। तो यहाँ से चार चीज़ें हमारी निकल के आ रही है। और इसके बाद में दोस्तों, एक यहाँ पे टेबल भी दी हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं तो उनका स्तर कितना होता है, 20 से 30 डेसिबल होता है, और हवाई जहाज़ उड़ाते हैं उसका कितना होता है, 90 से 120 डेसिबल होता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है शायद कि जो हम बातचीत करते हैं तो वो कितने डेसिबल की होती है, तो ये चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। और उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल प्रदूषण हम सभी को पता है कि जल के अंदर हम जो भी कूड़ा करकट या गंदी चीज़ डाल देते हैं तो उससे हमारा जल प्रदूषण हो जाता है। और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, औद्योगिक, कृषि और घरेलू कारणों से हमारा जल प्रदूषण होता है। लेकिन अगर दोस्तों इसमें ये पूछा जाए डायरेक्ट कि जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है, तो आप क्या कहोगे इनमें से, आप शायद कहेंगे औद्योगिक, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा कृषि है, कृषि से जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से करीब 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और अभी हमारा जून 2019 का एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है। तो उसका आंसर था दोस्तों, कृषि था, कृषि से हमारा जल प्रदूषण होता है। अब देखिए, कृषि को क्यों माना जाता है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत, क्योंकि कृषि के अंदर हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। अब फसलें उगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है, तो वो एज ए जल प्रदूषण के अंदर काउंट किया जाता है। और आगे हम बात करें दोस्तों, जैसे कि जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों में मृदा अपरदन, चट्टानों से खनिजों का रिसाव, तो ये कुछ चीज़ें दी हुई दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि इसके विपरीत, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं है। और उसके बाद है जैसे हमारे पास थर्मल प्रदूषण, यानी कि तापीय प्रदूषण। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलो थर्मल पावर प्लांट है या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, अब उसे ठंडा करने के लिए उस पर हम पानी डाल रहे हैं, तो वो जो हमने पानी डाला तो वो तो गर्म हो गया ना दोस्तों, दूसरी चीज़ तो ठंडी होगी, लेकिन जो हमने पानी डाला वो हो गया गर्म, और वो गर्म पानी जब नालियों के अंदर बहता हुआ जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो बेचारे मर जाते हैं, और उनमें क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जलीय जीव जंतु जो है उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो वो बेचारे मर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा तापीय प्रदूषण होता है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें ध्यान से।
यहाँ पे आप चाहे तो दोस्तों पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दी हुई है। वैसे कुछ खास नहीं है, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें इसके अंदर है। और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, अब देखिए सॉइल पोल्यूशन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। मृदा की गुणवत्ता और इसकी उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी हम ये कहते हैं कि ये मिट्टी उपजाऊ है, ये उपजाऊ नहीं है, तो वो क्या कारण होता है दोस्तों? कई जो मिट्टी है उनके अंदर उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कईयों के अंदर धीरे धीरे खत्म होते जाते, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। और ये दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि एक तो हम प्लास्टिक डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, ग्लास, कांच, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, और सीवरेज का जो वेस्ट है वो हम मिट्टी के ऊपर ऐसे ही डाल देते हैं, तो इससे हमारा मृदा प्रदूषण होता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि राख, लोहा, लोहे के कचरा, चिकित्सक, औद्योगिक कूड़ा कचरा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनसे हमारा मिट्टी प्रदूषण होता है। और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों? इससे सीधा सा इफेक्ट ये पड़ता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम फसल नहीं उगा पाते, और दूसरा क्या है कि कटाव होने लगता है। कटाव होने से क्या है कि हम अपने घर वगैरह वो अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास विकिरण यानी कि रेडिएशन का जो प्रदूषण होता है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने एक सुना था कि भोपाल गैस कांड हुआ था, तो वो एक विकिरण प्रदूषण था दोस्तों, उसके कारण बहुत से लोग अपंग हो गए थे, आज भी अपंग है, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। और इसके अंदर जैसे कि नाभिकीय अपशिष्ट खनन और नाभिकीय पदार्थों की प्रक्रियाओं से निकलने वाले कण जो है वो रेडिएशन प्रदूषण कहलाते हैं। नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयानक उदाहरण 1986 में रूस में होने वाली चेरिनोबिल आपदा थी, लेकिन उसका प्रभाव आज तक कायम है। तो दोस्तों हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी घटना हुई है जिनका नाभिकीय प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बेसिक वीडियो, और आगे की जो वीडियो होगी उनके अंदर हम बहुत डिटेल से जानेंगे कि वायु प्रदूषण किस तरह से होता है, उसको किस तरह से कम करने के लिए क्या क्या सरकार ने योजना चलाई है, और इससे क्या क्या बीमारियां फैलती हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।